केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। नितिन गडकरी ने सीएम योगी की तुलना श्री कृष्ण से कर दी है। इस दौरान गडकरी ने कहा कि जब जब अन्याय होता है तब तब भगवान का जन्म होता है। ठीक वैसे ही आज उत्तर प्रदेश में योगी जी समाज के लिए खतरा बने लोगों के लिए आए हैं। मैंने अभी योगी जी को एक बात बताई कि चार दिन पहले मैं भोजन कर रहा था तो मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि उत्तर प्रदेश में यह क्या शुरू है। जब मैंने उनको उसकी जानकारी बताई तो उसने मुझे भगवद गीता की वो बात बताई कि जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बता दें कि नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उसी तरह से यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी विश्व स्तरीय बनेगा। योगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कानून और व्यवस्था के बारे में एक प्रकार से एक आदर्श प्रस्थापित किया। मुझे खुशी है कि मैंने इसके पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश की सड़कें हम अमेरिका के बराबर करेंगे और उसी में हमारा प्रयास शुरू है। 2014 में हमारे 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग थे, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और 2023 में 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग हुए, हमने दुगने कर दिए। जब से उत्तर प्रदेश बना तब से और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद 2023 तक 13,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग उत्तर प्रदेश में हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए जी मीडिया।